हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होती है। आज हम आपको लाइफ की विभिन्न समस्याओं के लिए कुछ साधारण ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। धन लाभ के लिए किसी शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद किसी पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाएं, उस पर सफेद चंदन से गायत्री मंत्र लिखें और उसकी पूजा करें। अब इस पत्ते को अपने कैश बॉक्स, गला, तिजोरी या जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ इस प्रकार रखें कि यह किसी को दिखाई न दे। इस पीपल के पत्ते को हर शनिवार को बदलते रहें। इससे घर में सुख शांति रहेगी और धन संपत्ति बढ़ने को योग बन सकते हैं। सुखी पारिवारिक जीवन के लिए एक, अगर घर में सदैव अशांति रहती हो तो घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर श्वेतार्क, सफेद आंकड़े के गणेश लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दो, प्रतिदिन सुबह घर में गोमूत्र अथवा गाय के दूध में गंगा जल मिलाकर छिड़कने से घर की शुद्धि होती है तथा नकारात्मकता कम होती है। इससे भी परिवार में अच्छा माहौल बनता है। सुख समृद्धि के लिए तुलसी नामाष्टक मंत्र का जाप करें। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्त्रोता नामर्थम संयुक्तम ये पठित तच संपूज्य सौ श्रमेक फलम लमेता। जाप विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे की पूजा व परिक्रमा करें तथा दीप लगाएं। इसके बाद एकांत में जाकर कुश के आसन पर बैठकर तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें। शीघ्र विवाह के लिए एक, हर सोमवार को समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव को दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं तथा जल्दी विवाह के लिए प्रार्थना करें। दो, गुरुवार को उपवास रखें तथा पीली वस्तुओं का दान करें। इस उपाय से गुरुवार बृहस्पति प्रसन्न होंगे, जिससे विवाह के योग बनने लगेंगे। तीन, किसी मित्र या सहेली के विवाह में उसके हाथों से अपने हाथ में मेहंदी लगवाने से भी शीघ्र ही विवाह हो सकता है। डिप्रेशन के लिए रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, साथ ही जल भी चढ़ाएं। यही प्रक्रिया शाम को भी करें। ऐसा करने से डिप्रेशन कम होगा। तुलसी की माला धारण करें तो और भी बेहतर लाभ मिलेगा। रुका हुआ पैसा पाने के लिए शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार से यह उपाय शुरू कर लगातार 21 दिनों तक करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कामों से निपट कर एक लोटे में साफ पानी लेकर उसमें 5 गुलाब के फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान सूर्य से समस्या निराकरण के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। नींद न आए तो जब आप सोने जाएं तो बिस्तर पर लेटने के बाद शरीर को थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे 100 तक गिनती बोलें। उसके बाद सांस रोक कर ओम कुंभकर्णायनम बोलें और सांस छोड़ दें। इस तरह 108 बार करें। कुछ दिनों तक थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बाद में आपकी समस्या का निदान हो जाएगा और आपको भरपूर नींद आने लगेगी।